नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय एवं न्याय विभाग मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट घोषणाओं को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि 5 साल में हम प्रदेश की बजट को सरप्लस करेंगे। हमने इस पूर्ण बजट में किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया है और सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है। यही कारण है कि कांग्रेस के विधायक भी इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात उन्होंने आज यहाँ जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणाओं के क्रियान्वयन पर काम शुरू कर दिया है। बजट के बाद सभी जिलों में प्रभावी सचिवों को भेजा गया था, जिनसे घोषणाओं की 3 श्रेणी में सूचियां बनवाई गई हैं। सभी प्रभारी मंत्रियों ने अधिकारियों की बैठक लेकर घोषणा पूरी करने की कवायद शुरू करने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो घोषणाएं स्थानीय स्तर पर होगी उनके लिए क्या आवश्यकता है, जो घोषणाएं प्रदेश स्तर पर होगी उसका रोड मैप क्या रहेगा, उन सभी का वर्गीकरण किया गया और साथ ही जिन घोषणाओं में केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त होगा उन सब के लिए होमवर्क पूरा कर लिया गया है। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने की सरकार की घोषणा पर विपक्ष द्वारा इसे जुमला करार देने के सवाल पर पटेल ने 5 साल में 4 लाख नौकरी देने की सरकार की घोषणा पर विपक्ष द्वारा इसे जुमला करार देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि हमने पूरे 4 साल में कौन कब रिटायर हो रहा है इसका रोड मैप बनाया है। इसके अलावा उन सभी विभागों की सूची बनाई गई है जिसमें लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई। इस साल 1 लाख नौकरी देने की घोषणा भी पूरी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिए बनाई जाने वाली 8 रिंग रोड और जोधपुर जिले की 2 रिंग रोड पर भी कार्य योजना शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान में पूर्व में 2001 की जनगणना के आधार पर राजस्व गांवों को मुख्य सड़कों से सड़क बनाकर जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब 2011 की जनगणना के आधार पर जोड़ा जाएगा जिससे ज्यादा गाँवों तक सड़कों का निर्माण कार्य होगा। अब सब भाइयों के मिलने के लिए चला करके मैं आज के दिन आया। वैसे हमारी पार्टी की और सरकार की व्यवस्था के अनुसार प्रभारी मंत्री जी ने आपसे यहाँ वार्ता की है और बजट के विषय में, बजट की क्रियान्विति के विषय में उनसे आपसे खूब बात हुई होगी। आपने अपनी बात की होगी, उन्होंने अपनी बात की होगी। मैं ज़्यादातर आंकड़ों में आपको नहीं बताऊँ क्योंकि आंकड़े आजकल किसी से छिपे हुए नहीं है, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास में जब से विधानसभा बनी है बजट आए, पहला बजट हमारे मारवाड़ के जायजन में आदरणीय नाथूराम जी मिर्जा ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था, पर उस वक्त की अगर आप स्पीच देखेंगे तो उनके भी दर्द था कि मैं वो सब नहीं कर सका जो करना चाहिए। तो एक 20 वर्ष के उपरांत पहला मौका है फाइनेंस मिनिस्टर ने, और वो भी हमारी मातृशक्ति ने करीब 3 घंटे तक का बजट पेश किया है। तो मातृशक्ति को हम जो महत्व देना चाहते हैं, हमारे पार्टी का जो महत्व है, उस वजह से एक आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट ही बताता हूँ कि मातृशक्ति ने बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया। नहीं तो पिछले 20 सालों से फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम एक ही हुआ करते थे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का सरकार रही हो। दूसरा, ये पहला मौका है जब बिना किसी तरह का कोई टैक्स लगाए और अनेक आइटमों में टैक्स में कमी करते हुए, बढ़ाना तो अलग विषय रहा, कमी करते हुए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का ये बजट किस तरह से अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक है, ये बात हम तो कहेंगे कि हमारी पार्टी का है, लेकिन मैं जो विषय रख रहा हूँ आपके सामने वो था विधानसभा में कल प्रतिपक्ष के माने जो हमारे नेता है उनका आपने स्पीच सुनी होगी, और बजट घोषणा करना संभव नहीं है और ये मात्र चुनावी स्टंट या जुमला नहीं है। हम इसको पूरा कोशिश करके धरातल पर उतारें और हम ये चाहेंगे आपके सहयोग से, हमारे सभी साथियों के सहयोग से हम इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारें। और हमारा अंत में जो मेरा विशेष रूप से कहना ये था कि हमारा विजन है सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, हमारा विजन है कि सन 2047 तक हमारा अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारा राजस्थान किस तरह से विकसित और समृद्ध राजस्थान बने, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान बहुत समृद्ध और विकसित बने, अग्रणी राज्यों में, अग्रणी प्रदेशों में उसकी गिनती हो, विकसित राष्ट्रों में उसकी गिनती हो। तो उसके लिए राजस्थान का विकसित राजस्थान होना भी बहुत ज़रूरी है।
और इसीलिए हमारा ये रोड मैप है कि 2047 तक हमारा राजस्थान प्रदेश हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश है उन प्रदेशों में अग्रणी विकसित प्रदेश बने। और ये लगे कि सरकारें सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं होती है, सरकारें बनती है जनता की सेवा के। और निश्चित रूप से कार्य योजना के तहत एक रोड मैप बना करके हम ये कार्य करेंगे। कल के भी आपने हमारे वित्त मंत्री जी की स्पीच सुनी होगी बजट रिप्लाई में, उसमें एक विषय जो मैं आपके सामने रखना था वो करेंगे। तो इन तीनों को व्यवस्था कैसे की जावे उसकी पूरी डिटेल स्क्रीन करके एक दिन पहले प्रभारी सचिवों को भेजा और वो अपने अपने प्रभार वाले जिले में रहे दो दिन और पूरी एक एक आइटम की उसने स्क्रूटनी की कि ये कौन सी है जो स्थानीय स्तर पर निपटेगी, ये कौन सी है जो जिला स्तर पर निपटेगी, ऐसी कौन सी है जो संभाग स्तर पर निपटेगी, और ऐसी कौन सी है जो जिला स्तर पर धरातल पर आएगी, और ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म की है जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। उदाहरण के लिए 8 जो ग्रीन कॉरिडोर दिए हैं जिसमें 2 अपने पास आएंगे, एक फलौदी जो जयपुर से फलौदी जाएगा और एक जयपुर से जोधपुर आएगा। इन ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद मेरा ऐसा मानना है, जैसा मैंने सभी अधिकारियों से वार्ता की, जोधपुर से जयपुर लगभग 3 घंटे में दूरी पूरी हो जाएगी, लगभग 3 का 3.5 भी हो सकता है, आप रुक जाए तो 5 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक स्पीड से चले तो लगभग 3 घंटे में दूरी हो जाएगी, कोई हैंडल नहीं रहेगा। तो ऐसे जो है इसके लिए केंद्र सरकार भी जरूरत है, और इसकी आप कहेंगे कि इतना पैसा कभी मैं आपसे बुद्धि नहीं करूँगा, इतना वित्तीय बजट कहाँ से आएगा, वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, तो ये होते ही मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम को लेकर के, विभाग की पूरी टीम, पीडब्ल्यूडी विभाग की पूरी टीम को लेकर के दिल्ली गए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी से निवेदन किया कि ये हमको आपके इसमें सहयोग की आवश्यकता रहेगी। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ग्रीन कॉरिडोर के जितने भी 8 आपने विषय लिए हैं या और विषय है उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे, और जल्दी से जो तारीख तय होगी या जितना समय तय होगा उसके अंदर अंदर वो कार्य पूरे होंगे। और साथ ही साथ